चैनल एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद ट्रैवल करना चाहते हैं कराची टू लाहौर। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, जो भी आपकी कंफ्यूजन है, रास्ते में किस शहर में आपने स्टे करना है और किस मोटरवे पर आपने जाना है और कितना टाइम लगता है कराची से लाहौर पहुँचने में इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर ओन व्हीकल। तो मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, तो इंशाल्लाह सुबह 5 बजे हम निकलेंगे यहाँ से कराची से लाहौर के लिए। तो मैंने अपने बैग के फ्रंट साइड पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं जो मैं इजीली यूज़ कर सकूँ रास्ते में। पावर बैंक है और सन ब्लॉक वगैरह है और मेरी बुक है। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है रास्ते में और मैं अपना बैग पैक कर लूँ। तो फजर की नमाज़ के बाद हम निकल गए हैं, अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल फुल करवाने और सुबह के 6 बजने वाले हैं, उसके बाद हम निकलेंगे आगे हाईवे की तरफ। तो सुबह भी हो गई है और बहुत अच्छा टाइम हो रहा है इस टाइम सुबह का, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं हाईवे पर आ गया हूँ और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है इस टाइम, आप देख सकते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ बाय रोड तो सुबह के टाइम ही निकलता हूँ, ताकि दिन में जो है वो सिंध क्रॉस हो जाए और शाम या रात तक हम लोग जो है वो पंजाब में एंटर हो जाएं और ट्रैफिक भी नहीं होता इस टाइम। तो हम लोग सुपर हाईवे पर मौजूद हैं और अब सामने आप देख सकते हैं M9 मोटरवे स्टार्ट होने वाला है जो कराची से हैदराबाद तक है। तो अभी चलते हैं आगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद और M9 मोटरवे अब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे नेशनल हाईवे पर। तो जाम शोरो टोल प्लाज़ा आ गया है और इसके बाद जितना भी आगे सफ़र है सक्खर तक वो हम नेशनल हाईवे पर करेंगे। और अभी हैदराबाद के करीब ही हम लोग जो है नाश्ते के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पर। तो आपको पता है ढाबे की चाय की तो बात ही अलग होती है, तो यहाँ पे हम रुके हैं चाय के लिए और आप देख सकते हैं सामने खेत हैं, खूबसूरत सा ढाबा बनाया है। तो अभी सक्खर तक जो है हम लोग नेशनल हाईवे पर ही जाएंगे। तो हाईवे पर आपको जगह जगह ये सिंध का फेमस थादिल मिल जाता है। तो हाईवे के बिल्कुल साथ में यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ पे लाइव थादिल बन रहा था, अभी थादिल हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो मुझसे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि इतना लंबा रास्ता आप कैसे जो है सफ़र करते हैं कराची से लाहौर, कराची से खैबर। तो मेरा सिर्फ ये कहना होता है कि ये आप पे डिपेंड करता है, इफ़ यू आर अ ट्रैवलर तो आप हर रास्ते को जो है वो एंजॉय करते हुए जाते हैं। मैं भी चाय के लिए यहाँ उतरा था इधर, तो पीछे सारे बाग हैं आम के और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो है सारे आम लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, लेकिन आप ये देखें यहाँ की खूबसूरती। और वो सामने मैं बिल्कुल चल के दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर सारे आम लगे हुए हैं, ये देखें सारे ये आम के बाग, ये सारे रखे हुए आम। अब ये जो है कैरियाँ हैं कच्ची, ये सारे बागात हैं आम के। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आप बाय रोड जाते हैं तो हमारे पाकिस्तान में किस तरीके से हम लोग ट्रैवल करते हैं और कितनी मोहब्बत हमें मिलती है यहाँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरती, जितने भी यहाँ पे गांव हैं शहर हैं सबकी एक अलग ही बात होती है और सारे जो है लोग यहाँ पे मोहब्बत से आपके साथ पेश आते हैं। तो हम लोग रानीपुर पहुँच गए हैं और फ्यूल स्टेशन पर मौजूद हैं अभी, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो यहाँ रोड साइड पर खैरपुर की मशहूर सौगात, यहाँ का खोया जो है वो तैयार किया जाता है हाईवे पर और आप देख सकते हैं ये खोया खालिस दूध से बनाया जाता है और ये सब बिल्कुल हाईवे पर ही मौजूद होते हैं। तो नेशनल हाईवे पर जब आपको हज़ारों लाखों की तादाद में ये पाम ट्रीज नज़र आना शुरू हो जाएँ तो समझ लें आप आ चुके हैं सक्खर में। सक्खर जो है वो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर जो है फेमस असील खजूर जो है
वो उसकी प्रोडक्शन यहाँ पर होती है, हाईएस्ट प्रोडक्शन यहाँ पर होती है खैरपुर और सखर में। यहाँ रोड साइड पर आपको बहुत सारी जो है ये बादाम वाली खजूरें मिल जाती हैं, जो बहुत ही फेमस है यहाँ की और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाती हैं ये। तो सखर से अब हम जाएंगे M5 मोटरवे पर, जो सखर से मुल्तान है, और आप देख सकते हैं सामने रोडी टोल प्लाज़ा आ गया है M5। बाकी नेशनल हाईवे पर आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा जहाँ से आपको टर्न करना है M5 के लिए। तो हम आ गए हैं सखर से मुल्तान M5 मोटरवे पर, जिसमें 11 इंटरचेंज हैं और 12 सर्विस एरियाज हैं, और जो लोग कराची से लाहौर जाते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है CPAC का। और M5 पर आने से पहले आपने सखर में ही पेट्रोल फुल करवाना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, क्योंकि सर्विस एरियाज जो हैं वो 60-70 किलोमीटर्स बाद आते हैं M5 मोटरवे पर। हम रुके थे M5 मोटरवे सर्विस एरिया पर पेट्रोल के लिए, और हमने सोचा कि यहाँ पे लंच कर लें, और यहाँ पर एक ढाबा है तो चलते हैं यहाँ पे पूछते हैं चल के लंच का। और इस पे तो लिखा हुआ है सुबह का नाश्ता, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है ढाबा, बिल्कुल ही देसी स्टाइल है, ट्रेडिशनल बिल्कुल। तो अभी हम सक्कर टू मुल्तान M5 मोटरवे पर मौजूद हैं, और 65 किलोमीटर बाद ये जो है रेस्ट एरिया यहाँ पर आया है, और हमने लंच किया है ढाबे के ऊपर। तो मैं जब भी जाता हूँ बायरोड M5 मोटरवे से ही जाता हूँ, और इस पर यह है कि आप बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, और दूसरी बात आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। तो चलते हैं आगे और मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ इस सर्विस एरिया के। अच्छा, M5 मोटरवे पर जो वॉशरूम्स बने हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कितने नीट एंड क्लीन और कितने साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं यहाँ पर, ये देखिए। ये वॉशरूम्स हैं, आप यहाँ पे आराम से जो है फ्रेश हो सकते हैं सफ़र से, अगर आप थक गए। ये देखिए जी, आप आराम से जो है फ्रेश होके आगे जा सकते हैं फिर। और अभी जो है हम चाय ले रहे हैं, और लंच के बाद जो है चाय का टाइम हो गया है, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। आप चेक करें कितने खूबसूरत रोड हैं यहाँ के, बिल्कुल ही साफ़ सुथरे रोड हैं, और मैं यहाँ उतरा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ सामने पंजाब की खूबसूरती, कितनी ग्रीनरी है, और साथ में बिल्कुल खूबसूरत रोड जा रहा है M5 मोटरवे। तो ये अहमदपुर इंटरचेंज है, और हम M5 मोटरवे से अब जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जो है स्टे करना है रात में। नेशनल हाईवे चीचावतनी मेन रोड पर ताजमहल रेस्टोरेंट मौजूद है, दीवाने ख़ास, और जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आता हूँ, इनकी हर चीज़ बहुत ही बेस्ट होती है, एंड द आर्किटेक्चर सराउंडिंग द रेस्टोरेंट इज़ वेरी इंप्रेसिव। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बिटवीन मुल्तान एंड लाहौर। तो सिर्फ इस रेस्टोरेंट की वजह से मुझे आना पड़ता है M5 मोटरवे से नेशनल हाईवे पर, और वैसे भी जो है हमें नाइट स्टे करना है। मैं पहुंच गया हूं बहावलपुर, जिसे हम सिटी ऑफ नवाब्स भी कहते हैं, और ये शहर मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन यहाँ पे महल हैं, तो हर दफ़ा हम लोग यहाँ पर स्टे करते हैं, नाइट स्टे यहाँ पे हमारा होता है। तो रात के 9 बजे हम पहुँचे हैं बहावलपुर, अभी हम जा रहे हैं होटल में, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ की कुछ फेमस जगहें।
तो आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन महलों में से एक नूर महल बहावलपुर, क्योंकि सुबह हम लोग निकल जाएंगे लाहौर के लिए। तो मैंने सोचा आपको जो है यहाँ पे 3D शो होता है बहुत ज़बरदस्त। मैं जब भी नूर महल आया हूँ दिन में आया हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा रात में जाऊँगा क्योंकि मैं सफ़र करके आ रहा था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत शौक है जगहें देखने का, ओल्ड आर्किटेक्चुरल जो बिल्डिंग्स हैं बहावलपुर की। तो अब चलते हैं आगे, तो नूर महल की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगा तो आप वो ज़रूर देखिएगा। सुबह हो गई और इस टाइम 8 बज रहे हैं, सामने अहमदपुरी गेट है और मैं जो हूँ नीचे आ गया हूँ नाश्ते के लिए। उसके बाद हम लोगों को निकलना है 10 बजे तक लाहौर के लिए आगे। तो चलते हैं आगे और नाश्ता देखते हैं, बहावलपुर का नाश्ता। और आप पंजाब आए हैं और नाश्ते में लस्सी ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लस्सी बन रही है। बहावलपुर के नाश्ते की बात ही अलग है, और आपको पता है पंजाब का नाश्ता वैसे ही बहुत मज़े का होता है और सुबह ही सुबह नाश्ता करने का अलग ही मज़ा होता है। हम लोग निकल रहे हैं बहावलपुर से आगे लाहौर के लिए। तो खानेवाल टोल प्लाजा से हम जाएंगे M4 मोटरवे पर, उसके बाद M3 मोटरवे है। और यहाँ पर ढाबा है, यहाँ पे जो है वो चाय बन रही है। और खाने में भाई क्या क्या है आपके पास? सर खाने में हमारे पास चिकन है जी, दाल माश है और सब्जी में भिंडी है, आलू चिप्स है, कड़ी पकौड़ा है, लस्सी है और दही हमारे पास होती है, चिकन बिरयानी होती है, चाय होती है, दूध। अच्छा लस्सी कौन सी वाली है, स्पेशल वाली है, पंजाबी या फिर? बिल्कुल स्पेशल होती है यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ पर फुल देसी माहौल है और यहाँ पर जो है रोटियाँ बन रही है गरम गरम। कितनी लगा रही है सर? दो लगाते हैं फिलहाल। बहावलपुर से निकले हुए हमें तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं M4 मोटरवे, उसके बाद अब M3 मोटरवे। वो कहते हैं ना लोग पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, हमारा पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है भी नहीं। तो ये लास्ट स्टॉप है हमारा M3 मोटरवे पर और ये जो है हमें डायरेक्ट लाहौर उतारेगा। और इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा जिस जिस शहर में जाऊँगा, गुजरांवाला, लाहौर, तो बाकी डिटेल्स मैं आपको Part 2 में बताऊँगा, तो देखना मत भूलिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर पहुंच गया हूं और इस वीडियो को मैं यहां पर एंड कर रहा हूं और नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा हम कहां कहां जाएंगे, कौन कौन से शहर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।